एक्चुअली आज की हमारी इस क्लास में हम जो है कुछ कुछ छोटे मोटे चीजों के बारे में जानेंगे। जैसे कि हमने यहाँ पे कुछ नंबर्स लिख दे दिए, और मुझे मान लीजिए इसकी यहाँ पे पता करना है कि इसका सम करना है। तो जनरली आप सम का फॉर्मूला लिखेंगे, उससे अच्छा है कि आपके सामने ऑटो सम होता है, इस पे क्लिक करेंगे, या इसका शॉर्टकट होता है कंट्रोल इक्वल अल्ट इक्वल, तो ऑटोमेटिकली ये अप्लाई हो जाता है। ठीक है, ये रहा अल्ट इक्वल। इसके अलावा इसमें और भी फॉर्मूले, जैसे एवरेज निकालना है तो क्लिक कीजिए, एंटर मारिए, एवरेज लग जाएगा। उसके बाद आप इसी पे जाइए, अगर मैं काउंट नंबर करूँ तो नंबर हो जाएगा, एंटर मार दीजिए, रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद इसी पे आप जो है मैक्सिमम मिनिमम जैसे चीजें लगा सकते। ठीक है, अब क्वेश्चन यहाँ पे दूसरा आता है हमारे सीक्वेंस का। जैसे आप यहाँ पे वन लिखते हैं, टू लिखते हैं और नीचे की तरफ ड्रैग कर देते हैं, तो आपका सीक्वेंस आ जाता है। मैं चाहता हूँ कि इस तरह से ना हो, मैं माउस से ना करूँ, कीबोर्ड से करूँ। तो आपको स्टार्टिंग वन लिखना है और नीचे तक सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ सीरीज के अंदर आते हैं, तो ये आपका लीनियर ग्रोथ कॉलम रो होता है, इसमें आपका स्टेप और स्टॉप होता है। तो लीनियर मतलब बढ़ते क्रम में, एक एक 1+1 इस टाइप का। और मैंने बोला कि मुझे 10 तक बनानी है, तो 10 तक का सीक्वेंस दे देगा। और इसके बाद यहाँ आता है अगेन सीरीज के अंदर, अगर मैं यहाँ पे लीनियर के यहाँ पे ब्लैंक छोड़ देता हूँ, जितना सिलेक्टेड है उतना एरिया में लग जाएगा। अब वो लीनियर की जगह पे अगर मैं ग्रोथ को सिलेक्ट करूँ तो क्या होगा? तो ग्रोथ मल्टीप्लीकेशन करता है, अगर टू करके ओके कर देता हूँ तो हर नंबर अपने नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि आप देख पा रहे हैं। तो सीरीज, यहाँ अब इसमें इसका यूज हम लोग बेसिकली डेट्स पे करते हैं। जैसे यहाँ पे हमने डेट लिख दिया, और मान लीजिए मुझे डेट ड्रैग करनी है लेकिन सैटरडे संडे नहीं चाहिए, तो सीरीज के अंदर आप जाइएगा। तो सीरीज में यहाँ पे देखिए डे है, जिसे एक एक दिन करके दिखाएगा, और आपका वीक डे अगर करते हैं तो वीक डे में सैटरडे एंड संडे नहीं आएगा। जैसे देखिए मंडे टू फ्राइडे ही आएगा, सैटरडे संडे इसमें नहीं आएगा, 5, 6 नहीं है, यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद अगर इसी में हम सीरीज का यूज करते हैं, सीरीज, तो सीरीज में आप यहाँ देखेंगे मंथ, हमने मंथ करके ओके कर दिया तो आपका मंथली आएगा, अगर हमने ईयर कर दिया तो आपका ईयरली आएगा सीरीज का। तो सीक्वेंस बनाने के लिए काम आता है ऑटो फिल, इसे डबल क्लिक करते हैं वो ऑटो फिल का वर्ड, और रो एंड कॉलम दोनों तरफ सेम चलता है। उसके बाद इसमें आपका एक क्रॉस वर्कशीट आप देख पा रहे हैं जो हाईलाइटेड नहीं है। एक क्रॉस वर्कशीट का यूज कब होता है? जैसे मान लीजिए कि हमने डेटा आपके सामने रखा हुआ, इसको हमने फॉर्मेटिंग वगैरह कर दी, मुझे सेम डेटा को कॉपी करके हमारे सारे शीट्स के अंदर पेस्ट करना है। तो आप क्या करें, पहले शीट पे क्लिक करें, शिफ्ट के साथ सबसे लास्ट वाली क्लिक पे शीट पे क्लिक करें, आपके सारे शीट सेलेक्ट हो जाएंगे। उसके बाद जो है आप जो है अपना डेटा सेलेक्ट करें, और डेटा सेलेक्ट करने के बाद सीरीज के अंदर एक क्रॉस वर्कशीट हाईलाइट हो जाएगा। एक क्रॉस वर्कशीट तभी हाईलाइट होगा जब आप मल्टीपल शीट को सिलेक्ट करें। एक क्रॉस वर्कशीट जैसे मैं यहां करेंगे, इससे पूछेगा ऑल, मतलब जैसे डेटा है सारा का सारा कॉपी पेस्ट करना है, या कंटेन सिर्फ डेटा पेस्ट करना है, या फिर फॉर्मेटिंग पेस्ट करना है। तो अब मैंने ऑल कर दिया तो आप देखेंगे तो हर सीट पे ऑटोमेटिकली वो पूरा का पूरा डेटा चला गया। ये हमारा क्रॉस वर्कशीट करता है। उसके बाद आता है जस्टिफाई।
जस्टिफाई का यूज अब नहीं होता है, लेकिन 2013 में हम लोग बहुत यूज करते थे। उससे पहले ऑटो जो 2013 था, क्या होता था कि मान लीजिए मेरे पास एक रेंज है, देख रहे हैं मेरे पास एक रेंज है, और मुझे इस रेंज में, इस रेंज के अंदर मैं पूजा कॉमा मोहन कॉमा रीता इस तरह का करना है। तो उस समय हमारे पास कॉनकाटा नेट का फॉर्मूला हुआ करता था। अब कॉनकाटा नेट फॉर्मूला जो है सिर्फ दो सेल को ही करता था, इसको इसको इस तरह से, और मुझे बहुत सारे करने हो तो प्रॉब्लम हो जाती थी। तो उस केस में हम लोग क्या करते थे, कॉलम को बड़ा करते और फिर अपने नेम को सिलेक्ट करते, और यहाँ जस्टिफाई करते। अब जस्टिफाई का मतलब ये नहीं है कि सारा एक रे में आ जाए, जितना बड़ा कॉलन होगा आपका उस कॉलन उतने बड़े कॉलन में जस्टिफाई जितना आ पाएगा उतना डेटा, और स्पेस के साथ सेपरेट होगा। आप स्पेस को आप फाइंड फाइंड रिप्लेस के जरिए जो है आप उसको कॉमा लगा दीजिए। लेकिन क्वेश्चन आता है कि फिर अगर मान लीजिए कि मुझे वापस तोड़ना हो तब क्या होगा, वापस तोड़ने के लिए भी हम वही चीज करते हैं। वापस तोड़ने के लिए भी हम कॉलम को छोटा करेंगे और पूरा एक एरिया सेलेक्ट कर लेंगे, और फिर यहाँ जाके हम कर देंगे जस्टिफाई, ओके करेंगे। ये देखिए अलग अलग जस्टिफाई के बाद आता है फ्लैश फील। फ्लैश फील क्या होता है, सेपरेशंस के लिए यूज होता है। जैसे मैंने नेम लिख दिया, नेम में नया लिखा पूजा सिंह, तो यहाँ एक मिनट मोहन, यहाँ पे इंदर इस तरह के मान लीजिए कुछ नेम। अब मुझे इस नेम में से फर्स्ट नेम को और लास्ट नेम को सेपरेट करना, फर्स्ट नेम को एंड लास्ट नेम कैसे करें। तो यहाँ कुछ नहीं करना है, आप पूजा लिख दीजिए, सेलेक्ट कीजिए, और यहाँ आपको दिखेगा फ्लैश फिल, जिसका शॉर्टकट होता है Ctrl+E। इस पे क्लिक कीजिएगा, देखिए पूजा मोहन इंदर अलग अलग आपका सेग्रीगेट हो गया। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे SINGH सिंह करता हूँ और इसको सेलेक्ट करता हूँ, और यहाँ अगर हम करते हैं फील, तो सब में से सिंह अलग हो जाएगा। मतलब कि जो जो टाइप करेंगे और उसके हिसाब से पोजीशन देख लेगा और फिर उसके हिसाब से उसको अलग करेगा। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे डेट लगाया, आप देख सकते हैं डेट में +30 करके नीचे तक ड्रैग कर देता। अब मुझे इसमें से सिर्फ मंथ अलग करना है, तो मैं यहाँ पे जैन सेलेक्ट करूंगा, और जैन सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे फ्लैश फिल करूंगा, तो देखेंगे सिर्फ मंथ अलग हो गया। इसी तरह से कुछ नंबर्स आपके लिखे हुए हैं, मुझे इसमें से सिर्फ जो है अलग करने हैं क्या, 3 लेटर, बीच के 2 लेटर, 52। तो मैंने 52 को यहाँ डाला और फिर फ्लैश फिल कर दिया, तो 52 के हिसाब से वो सारे को अलग कर दिया। और मैं डेसिमल में लिखा हुआ हूँ कि 30.36, इस तरह से मुझे डेसिमल अलग करने हैं, तो मैं पहले में लिखूंगा 0.36, इसको सेलेक्ट करके फ्लैश फिल। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं फ्लैश।
सिंपल सा इसका लॉजिक है कि आपका जो नाम आपने जो पहले सेल में लिखा हुआ है और दूसरे सेल में लिख के फ्लैश फिल करते हैं, तो जो आप टाइप करते हैं उसकी पोजीशंस को देख लेता है और उसी हिसाब से वो करता है। राइट सर, ओके फ्लैश फिल समझ में आ गया सबको? फ्लैश जी फिल के जी बाद, फ्लैश फिल के बाद आता है क्लियर। जैसे मैंने इसको फॉर्मेट कर दिया, मान लीजिए मुझे इसको डिलीट करना है, तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं इसकी पूरी रो या कॉलम डिलीट कर देते हैं। तो पूरी रो कॉलम हो सकता है नीचे डेटा हो, और डिलीट करने से पूरा ये जंप हो जाता है, तो मुझे हटाना ही है, तो हम यहाँ क्लियर का इस्तेमाल कर सकते हैं। हम कर सकते हैं क्लियर ऑल, पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। फिर आता है इसमें क्लियर फॉर्मेट, जस्ट फॉर्मेटिंग क्लियर होती है। अगर यहाँ पे हम कहते हैं क्लियर कंटेंट, तो सिर्फ कंटेंट क्लियर होता है, क्लियर हाइपरलिंक, क्लियर नोट्स, तो यहां से आप क्लियर कर सकते हैं। आप लोगों को क्लियर हो गया ना? डाउट क्लियर हुए कि पूरा पढ़ा सो क्लियर हो गया? नहीं, आज का तो क्लियर ही है। नहीं, डाउट क्लियर है ना? हाँ जी अच्छा, मतलब जो पढ़ा वो क्लियर नहीं ना हो गया? क्लियर ऑल तो नहीं कर दिया आपने, मतलब कि साफ बुरा तो नहीं दिया? नहीं, प्रैक्टिस किया था तो ठीक है, तो ये हो गई। अब हम कल की क्लास में आपके साथ शॉर्टिंग फिल्टर के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है? और पुनप्पा जी, आपके कुछ प्रॉब्लम थे जो आप मुझे